सही कह रहे हो भाई, आधा इधर मार दो आधा उधर मार दो। जज कह रहा है लापरवाही थी, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, इसमें कोई लापरवाही वाला इशू है ही नहीं। हम लोग रूट कॉज एनालिसिस इसका कर रहे हैं। पहला स्टेप ये था कि इस पूरे एरिया को आइसोलेट कर देना, जो क्योंकि स्टील पाइपलाइन है तो वो इमीडिएटली करवा दिया गया। जितने इसके अपस्ट्रीम वॉल थे, डाउनस्ट्रीम वॉल थे, सब बंद करा दिए गए हैं। 2 CNG पंप की गैस सप्लाई बंद करा दी गई है, तभी यहाँ पे प्रेशर जीरो आ गया। तो जो पहला कदम ये था कि भाई जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था करना, वो स्पीड से कर दी गई है। अब हमारे पास वक्त है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से ये लीकेज हुआ है और उसको तुरंत इसका रेक्टिफिकेशन। सर, बगल में पेट्रोल पंप है, अगर दिन में घटना होती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिल्कुल बगल में एरिया इमरजेंसी ऑफिस है, हमारी मोबाइल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वैन है। गैस के साथ घटना तभी होती है जबकि इसके फ्लो को आप बंद ना करें। अगर फ्लो को आप तुरंत बंद कर देते हैं तो गैस बहुत हल्की होती है, एटमॉस्फेयर में जाके विलीन हो जाती है। तो वैसा आप बिल्कुल घबराएं नहीं और सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, कोई दिक्कत। किस कारण घटना घटी है, क्या ये अभी हम एनालिसिस करके ही बता पाएंगे। अपना परिचय दे सर। मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट हूँ इंडियन ऑयल का। कार्रवाई हुई और किस तरीके से क्या काबू पाया गया इस पर? ये गैस जो कुकिंग गैस का है और CNG गैस का सप्लाई है अडानी गैस सर्विसेज का, तो इसमें जो है 6:25 की सूचना मिली कि गैस लीकेज हो रही है। तो तुरंत फोर्स के लोग आए, मैं भी आया और इसके बाद जो है कंपनी के लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया, तो वो लोग आए। फिर इन्होंने जो यहाँ का इनका KP कॉलेज के पास जो मेन इनका है और इधर ट्रैफिक चौराहे के पास, इन्होंने मेन सप्लाई को वहाँ से बंद किया। और इसके बाद जो पाइप के अंदर गैस थी उसको निकलने में करीब 25-30 मिनट लगे। अब पूरी तरह से गैस निकल गई, कोई खतरा नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है और कंपनी के लोग लगे हुए हैं लीकेज को ठीक करने में। मेरा अनुमान है कि 1-1.5 घंटे में लीकेज ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी लापरवाही हो जाती सर अगर यही चीज़ें 8, 9, 10 के बीच का मामला होता तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ये दिन के समय में होता तो कोई घटना हो सकती थी, लेकिन चूँकि ये सुबह का टाइम था ऐसी समय में कोई घटना नहीं हुई। ये बहुत बहुत समझिए कि ईश्वर का शुक्र रहा कि सब लोग सुरक्षित रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा, कंपनी लोगों से अभी बताया गया है कि उनके को पेट्रोलिंग लगातार रहेंगे, जो ऐसे संवेदनशील स्थलों पे लगातार भ्रमण करते रहेंगे। अगर कहीं भी कोई बात होती है तो तुरंत अपने कंपनी के हेड को सूचित करके उसको तत्काल उसका समाधान कराएंगे। सर, जिस समय ये गैस लीक हुई है उस समय किस तरह से आपने अपडेट किया लोगों को, जागरूक किया? कौन सी लाइन थी, ये मेन लाइन थी क्या? हाँ, मेन लाइन ही समझिए, क्योंकि जो KP कॉलेज से इनका आया है वो मेन लाइन इनका है। लेकिन जैसे ही लीकेज की पता चली तुरंत अधिकारियों को बुला करके इनके और लीकेज को सही कराया गया, वहाँ से बंद कराया गया, अब पूरी तरह से नॉर्मल है। कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ लगी इसको? फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी लगी है और 3 थानों की फोर्स है और पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था है। रूट जो है डाइवर्जन किया गया है, 2 तरफ से ट्रैफिक को रोका गया है
जैसे ही इनका ये कंप्लीट हो जाएगा रूट डाइवर्जन जो है ख़त्म करके ट्रैफिक बहाल कर लिया। अपना परिचय दे देता हूँ, मैं अपर नगर मिश्रित द्वितीय प्रयागराज।